सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, इस प्रकार काम की कुछ कुंवारी सीता जी के पास जाती है और बोलती है कि हे राजकुमारी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन हमें पूछते हुए शर्म आती है, इसलिए आप हमें गांव की ग्वारी समझकर आप हमें क्षमा कर दें। आप हमें ये बताइए कि ये दोनों सुंदर राजकुमार ये दोनों तो कामदेव को भी ले जाने वाले हैं। मनोहर सुंदर ये दोनों राजकुमार आपके कौन हैं? तब सज्जनों, सीता जी इतना सुनते ही शर्मा गए, शक जाग और बड़ी कोमल वाणी में बोली, सुनी संदेह में मंजुल पानी, सुनी संदेह में मंजुल पानी, सबुझ सिया मन बहु मुस्कानी, सबुझ सिया मन बहु बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पितृवरणी, सहज स्वभाव सुभग तन भोरे, सज्जन माता सीता बोली कि जो कि गोरी रंग के उनका वो सज्जनों, सीता जी बोली कि जो गोरी रंग के हैं उनका उनका नाम लक्ष्मण है और वो मेरे देवर जी। और फिर सज्जनों, इसके बाद सीता जी अब अपने मुख्य आंचल को ढांक खंजन जैसे पक्षी की तरह सुंदर नेत्रों को तिरछा करके, भौहें टेढ़ी करके बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा कि वो ये मेरे वरदार है स्वामी। उन्होंने कैसे कहा, बौरी बदन पितु अंचल ठाकी, बौरी बदन पितु अंचल ठाकी, प्रियतन चेता है भाई करिमाकी, प्रियतन चेता है भाई करिमाकी,
जन मंजू गिरी से नैनने निजपति कहे उपनयसियसनने सब राम बधूती लंकन राय राशी जनलूटी सज्जनों इतना सुनते ही तो सभी गारियां गांव की सभी गारियां सभी बड़े ही प्रसन्न पर कंगालों ने खजाना लूट लिया बड़े ही प्रसन्न आशीष और दुआएं देने सीता जी को आशीष और दुआएं देने और बोलने लगी कि जब तक शिष्य जी के सिर पर धरती तब तक तुम सुहागनी बनी तुम्हारा सुहाग अचल हम तुम्हें आशीष देते सज्जनों इसके बाद श्री राम जी आगे चले मेरी प्यारी प्यारी माताओं उस सुंदर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता सुंदर जोड़ी का वर्णन नहीं कर सकते सज्जन राम सीता और लक्ष्मण सज्जनों उभय बीच सी सुबति कैसे ब्रह्म जीव मिच माया जैसे सज्जनों आगे तो श्री राम जी पीछे लक्ष्मण जी पीछे सज्जनों तुलसीदास जी कहते हैं कि उन दोनों के बीच में सीता जी ऐसे सुशोभित हो रही है मानो ब्रह्म और जीव के बीच में माया देखत वन सरु शैल सुहाए देखत वन सरु शैल सुहाए वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए आशीर्वाद देव वर दीना आशीर्वाद देव वर दीना आशीर्वाद देव वर दीना सज्जन तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े बड़े तालाबों और पहाड़ों को पार करते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते और फिर सज्जन भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के चरण छूते एक बात बताऊं देखिए जिनका आशीर्वाद लेने के लिए सज्जनों ऋषि मुनि तरसते हैं ऐसे प्रभु ऋषि मुनि साधु संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं प्रभु की लीला परंपरा है और सज्जनों देखिए
जिनकी जिनसे आशीर्वाद लेने के लिए, प्रभु से आशीर्वाद लेने के लिए तो ऋषि मुनि संतगण सभी तरफ थे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं भगवान होकर भी, भगवान श्री राम भगवान होकर भी, भगवान होकर भी प्रभु श्री राम अपने सज्जनों ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लिए। देखिए, इसीलिए हम सभी लोगों को तो कहना ही पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा कि ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यही पैसों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है। Bye.
से की सुई चुपती भूले बतासा पानी में, भूले बतासा पानी में, भूले बतासा पानी में, यहाँ से की सुई ना चुपती भूले बतासा पानी में, भूले बतासा पानी में, भूले सदगुरु नदिया डूबे, यहाँ न सदगुरु नदिया डूबे, सागर संत समाना जी ये प्यासों का प्रेम नगर गए, यहाँ सबल कर आना जी, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सबल कर आना जी, ये प्यासों का प्रेम नगर गए, यहाँ सबल कर आना जी। पुण्य मिले इस सर पे शीश झुकाने में, इस सर पे शीश झुकाने में, इस सर पे शीश झुकाने में, चार धाम का पुण्य मिले इस सर पे शीश झुकाने में, इस सर पे शीश झुकाने में, सर पे शीश। मजा क्या है जीने में, जो मजा यहाँ मर जाने में, जो मजा यहाँ मर जाने में, जो मजा यहाँ मर जाने, हाथ बांध कर माने ये हाथ बांध कर मौत खड़ी है, चाहे खुद मर जाना जी, ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी, ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी, संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी, ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी, यहाँ संभल कर आना जी, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, और संत समाज की जय हो, बोल खेरद वाले बाबा की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। सज्जनों, इस प्रकार जैसे वाल्मीकि जी के आश्रम में आए प्रभु, तो वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हुए, किंतु ब्रह्म जानकर वाल्मीकि जी ने उनकी स्तुति की, श्रुति से तु पालक राम तुम जग गीत माया पानी नान की जो जगत की तो अही तुम ही धर लखन सचरा चर बनी सरताज कर काज धर नर राज तनु चल ललन कल निश चर करी ललन कल निश चर करी ललन कल निश चर
जानत तू भई होई जाई जानत तू भई होई जाई। नगर सचिव सपूत
जन्म आरती गुरु बावन गाओ बेटी बेटा पुत्र दिवस साज समय तब अब स्वरूपा अवध प्रवेश भवन रतुरात जुआ समाचार सुनी पाए रतु देखरा सज्जन जब सुमंत जी अयोध्या की ओर पहुंचते तब सज्जनों दिन में उनकी आवाज में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं। तो फिर उन्होंने एक पेड़ के नीचे ही दिन गुजार दिया और जब संध्या हुई तो फिर संध्या के समय सज्जनों एक संध्या के समय आवाज में प्रवेश करते हैं सुमंत जी रथ को राजदार पर छोड़कर। फिर भी जिन जिन लोगों को मालूम चला कि सुमंत जी आ चुके तो वे बड़े ही दुखी होकर आते हैं वहां पर। सज्जन सुमंत को अकेला देख सारा का सारा अवध निवास हो सज्जनों सुमंत जी को आता देख राम लक्ष्मण सीता को ना आता देख सारा सज्जनों सारी अयोध्या में हाहाकार मच गया। सज्जनों अत्यंत व्याकुल होकर रानियां पूछती पर सुमंत जी कोई जवाब नहीं देते और सज्जनों उन्हें कुछ सुनाई भी नहीं देता। उन्हें जो जो भी मिलता उनसे केवल वो यही पूछते कि राजा कहाँ है, रानियां कहाँ है, राजा दशरथ कहाँ है। तो फिर जब दासियों ने सुमंत जी को इतना आकुल व्याकुल देखा तो फिर दासियां सीधे ही उनको केकई के पास सज्जनों राजा के पास ले गए सारी रानी। सुमंत्र जी ने राजा का जैसा ही हाल देखा उनका बड़ा बुरा हाल। राजा आसन संध्या आभूषण और इन तीनों से रहित बिल्कुल उदास धरती पर पड़े मानो सज्जनों और वो राम राम कह रहे हैं, हाँ राम हाँ सीता हाँ लक्ष्मण ऐसा कहने लगते। अतियारती सिब पूजा ही रानी अतियारती सिब पूछहिरानी उतन ना बिकल वैवानी उतन ना आब बिकल वैवानी सुनही न श्रवण नयन नहीं पूजा सुनही न श्रवण नयन नहीं सूजा
तो तेरी बूझा सच बिकलाई कौशल्या ग्रह गई लवाई मंत्र देख कसराई सुमंत्र कसराजा भूमि तल निपट मलीना राम कहे राम सने राम राम कहे राम सने राम लगन वेले पुनी कहे राम लगन वेले कह राम लखन मेरे सज्जन। जब राजा दशरथ ने देखा सुमंत आया तो सुमंत से बोली तुरंत कि सुमंत राम कहाँ सीता कहाँ लक्ष्मण कहाँ सुमंत तुम कुछ बोलते क्यों नहीं तुम्हें क्या हो गया बड़ी राजा बड़ी आकुल व्याकुल होकर पूछते हैं। सुमंत जी बड़ी व्याकुल हो गए और फिर उन्होंने अपनी छाती को खटोर करके राजा को सब कुछ बता दिया और कहा कि हे राजन मैं राम को तो छोड़ो मैं आपकी प्यारी बहू को भी ना ला सकूं। इतना सुनते ही तो सज्जन और राजा दशरथ जी के होश उड़ गए और तुरंत ही धरती पर गिर गए। सज्जन धरती पर गिरते ही राजा दशरथ जी श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप का श्राप याद आ गया। उन्हें श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप का श्राप ध्यान आ गया। उन्होंने फिर कौशल्या को बताया कि कौशल्या मुझे तो अंधे माँ बाप का श्राप था कौशल्या कि मेरी मृत्यु पुत्र वियोग में हो। और सज्जन इस प्रकार राजा उस पुरानी कहानी पुरानी इतिहास का वर्णन करते हुए अत्यंत व्याकुल हो। सज्जन इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। देखिए बचपन तो हमारा खेलने कूदने में गुजर जाता है। जवानपन हमारा हंसते हंसते में गुजर जाता है। बुढ़ापा हमारा रोते रोते गुजर जाता है। सज्जनों इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं इसीलिए हम सब लोगों को तो कहना ही पड़ेगा कि क्या भरोसा है ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी।
देती नहीं बेटी का क्या भरोसा है, वो क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं बेटी का, साथ देती नहीं बेटी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, तो साथ देती नहीं ये किसी का। दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का। चलते रुकना है इसकी कहानी, कहानी चलते रुकना है इसकी कहानी। पूरा करो बंदगी का। हाँ साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का। Thank you.
दास्तां अपनी दुनिया रहेगी। हम रहे रहेगी दुनिया रहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का अच्छा देगी। राजा दशरथ का बड़ा बुरा हाल है। सज्जनों, राजा दशरथ का बड़ा बुरा हाल, वो कह रहे हैं तपस वैंद सब सो दिया, तपस वैंद सब सो दिया, सब कथा सुनाई। भयउ विकल पर नत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आसा, तो तनुराग करम में का यही न प्रेम फल, यही न प्रेम फल बोल दिया। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम भी ओ
तू बिन जियत बहुत दिन बीते, तू बिन जियत बहुत दिन बीते। राजा दशरथ कह रहे हैं कि अब मैं ऐसे शरीर को बिल्कुल भी धारण नहीं करूंगा जिससे मुझे अपने राम के दर्शन नहीं। वो बोले कि हाँ रकुल के आनंद राम, तुम्हारे बिना जीते जीते बहुत दिन बीते। हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी और सज्जनों, राम राम के राम करी, राम राम के राम, तनु परि हरि रघुवर विरह, राउ गयो सुर दाम। सज्जनों राम राम कहते कहते सज्जन दशरथ जी ने श्री राम के वियोग में अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। सज्जन ये बड़ी हर्ष और विषाद की घटना रघुवंश में घटी। विषाद या दुख तो इस बात का है कि जो चक्रवर्ती सम्राट जिनके चार चार पुत्र हैं, लेकिन अंत समय में उनके एक भी पुत्र वापस नहीं। देखिए अपने कर्मों की कथा, जिसने स्वयं भगवान को अपने आंगन में उतार दिया, लेकिन वो अपने कर्मों की गति को न रोक सका और अंधे माँ बाप के श्राप से स्वयं ब्रह्म भी उन्हें न बचा सका। हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे द्वारा किया हुआ कोई भी गलत कर्म का दंड हमें भुगतना पड़ता है। सज्जन इस प्रकार क्या होता है सज्जन, देखिए विषाद की घटना तो ये, लेकिन दूसरी हर्ष की घटना तो ये। हर्ष तो इस बात का है कि जिन जो कि चक्रवर्ती सम्राट, सज्जन ध्यान से सुन, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुख आवत नाही। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि त्यागे जीवन भर प्रयत्न करते हैं, अंत समय में हमारे मुख से राम नाम निकल जाता, लेकिन सच्चानो उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। लेकिन देखिए दशरथ जी के तो कितने बड़े भाग हैं। देखिए जीते जी श्री राम जी के मुख रूपी चंद्रमा को देख और फिर उन्हीं को निमित्त मनाकर अपने प्राणों का विसर्जन करते। धन्य दशरथ की राम भक्त जिन्होंने अपने जीने और मरने दोनों का फल प्राप्त किया, जिनकी निर्मल कीर्ति का ये संसार सदैव गाता रहे। सज्जनों इस प्रकार क्या होता है कि
सज्जनों। सज्जनों इस प्रकार मेरी प्यारी माताओं इस तरह गुरु वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार नाव में तेल भरवाकर दशरथ जी को सुरक्षित रखवाया गया। और सज्जन फिर गुरु वशिष्ठ ने दूध भेजे के कई देश में। और सज्जन जब की कई देश को में दूध भेजे गए, गुरु वशिष्ठ ने कहा दूत से कि तुम के कई देश जाओ और भरत को लाओ, उन्हें दशरथ नारायण मत बताना, तुम तो उन्हें कुछ भी मत बताना। तब गुरु वशिष्ठ के आगे पाकर दूत रथ को लेकर के कई देश की ओर चल। अब सज्जन देखते हैं दूसरी तरफ, वहां पर के कई देश में भरत जी का क्या हाल। अनुरुद्ध अवध आरंभ जब ते भरत कहु तब ते देखी रात भयानक सपना, देखी रात भयानक सपना, जब से अयोध्या में अनर्थ हो रहा है तभी से भरत जी को अपशगुन हो रहे हैं। रात रात भयानक डरावने सपने आ रहे हैं, जिसको सुनकर वो
सुबह उठकर उल्टे से उल्टी कल्पनाएं करते हैं। इस डर से वो रोजाना ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, खूब दान देते हैं और शिव जी का रुद्राभिषेक करते हैं और उनसे अपने परिवार की सफलता की कामना करते हैं। सज्जन इस प्रकार भरत जी ऐसा हो ही रहा था कि तभी सूचना मिली कि अयोध्या से दूत आया है। तब सज्जनों भरत जी ने तुरंत कहा कि देखा रे सूदन, मैं तुमसे कहता था ना कि अयोध्या में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़। और फिर सज्जनों इस प्रकार सज्जनों क्या होता है, सज्जनों इस प्रकार मेरी प्यारी प्यारी माता तो भरत जी ने तुरंत ही अपने नाना और मामा श्री से विदा लिया और चल दी। रास्ते में उनके भरत जी के मन में बड़ी आशंकाएं उठ रही हैं। वो सोचते हैं कि राम मुझे अपनाएंगे या नहीं, मुझे सज्जन भरत जी बड़े ही दुखी हैं। मनी मन सोच रहे हैं, उनके मन में बड़ी आशंकाएं उठ रही क्योंकि दूत ने उनको कुछ नहीं बताया था। तो फिर हवा के समान घोड़े वाले रथ को हांकते हुए नदी पहाड़ और तालाबों को पार करते हुए भरत जी अयोध्या आए। और सज्जन जैसे भरत जी अयोध्या पहुंचे सज्जनों जब भरत जी अयोध्या पहुंचते तो फिर इस प्रकार भरत जी को फिर से अपशगुन होने लगते। कौवा कांप कांप करता है, लोग भरत को देखकर मुंह फेर देते हैं। आशंकाएं और कुल कल्पनाओं से भरकर सभी लोग सज्जनों आशंकाओं और कुकल्पनाओं से भरे हुए भरत अयोध्या में प्रवेश करते। पूरे अयोध्या में कोई खुश नहीं। और सज्जनों अगर पूरी अयोध्या में कोई खुश है तो वो कौन है? कोई एक है, बताओ कौन खुश पूरी अयोध्या? वो है केकई। बड़ी खुश है और वो आरती की थाली सजा कर बैठी हुई है। और सज्जन उसने मंथरा से कहकर केकई ने तुरंत ही भरत जी को अपने ही महल में बुला लिया। फिर भी भरत जी पूछते हैं कि माताएं कहाँ हैं, राजा दशरथ कहाँ हैं, भैया कहाँ हैं? तब सज्जनों तब केकई ने कपट के आंसू लाकर सब कुछ बता दिया भरत जी। और सज्जनों जब भरत जी को असली बात पता चली कि केकई के दो वरदानों के कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मेरे भैया को 14 वर्ष का वनवास हो गया,
तो फिर वो बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। और सज्जन बड़े ही दुखी होकर धरती पर गिर पड़ा। और जब होश में आए तो फिर वो उन्होंने केकई को बहुत बड़ा बुरा कहा और कहा कि केकई ये मांगते हुए तेरे जी क्यों नहीं पड़ा, तेरी कोख से जन्म क्यों लिया, और जब मैंने जन्म लिया तो तूने मुझे मार क्यों दिया, कम से कम मैं ये कलंक तो अपने आप पर नहीं लगा। और भरत जी बोले, क्या बोले, कि कई तने काटानी मन में राम सिया भेज दोरी वन में राम सिया भेज दोरी वन में के कई तने काटानी मन में राम सिया भेज दोरी वन में राम सिया भेज दोरी वन में मैया तेरे काठानी मन में मैया तेरे काठानी मन में राम सिया भेज दोरी वन में राम भेज दोरी वन में। Thank you.